नमस्कार प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, हिंदी विद तारकोड़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज एक हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और वो ये होगी कि हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी जो कवि और लेखक हैं, साथ ही यदि कोई इस तरह का कोई दार्शनिक या विचारक जिन्होंने अपने विभिन्न रचनाओं में भारतीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो गौरव का भान कराने वाली कोई अंतर कथा है और उन्होंने रची है, तो उनसे हम आपको रूबरू कराएं, जो काफी आनंदोपलब्धि के योग्य होगी, साथ ही आप सबके लिए उत्साह वर्धक होगी, बड़ी रोमांचित करने वाली होगी। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो न केवल आमजन के लिए बल्कि हमारे साहित्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय कृत पृथ्वीराज रासो। काफी प्रसिद्ध पंक्तियां, चार वास 24 गज अंगुलष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। आइए हम जानते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की कथा। ऐतिहासिक प्रामाणिक रूप से जो विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली के, उनके और शहाबुद्दीन गोरी अर्थात मोहम्मद गोरी के बीच में कुल दो युद्ध थे। तराइन का प्रथम 1193 ईस्वी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे तथा दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है वो होती है मोहम्मद गोरी के हाथों, जिसको वो गजनी ले जाता है और वहां उनकी मृत्यु होती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो क्या कहता है इस बारे में, चंद्रवरदाई जो उनके सखा थे, उनके राजकवि थे, उनके मित्र थे, वो इस बारे में क्या लिखते हैं, जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जिनका एक परिचय सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे। इनके पिता सोमेश्वर और इनकी माता कमला इनके अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का इनका शासन रहा था। धर्म हिंदू चौहान। पृथ्वीराज चौहान की कथा जानने से पूर्व हम ये जान लें कि दिल्ली के शासक जिस समय अनंगपाल थे, उनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम सुंदरी और दूसरी का नाम कमला था। सुंदरी जिसका विजय पाल के साथ विवाह हुआ था, जिनके संयोग से जयचंद कन्नौज के जो शासक थे पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और वहीं पर कमला और सोमेश्वर के संयोग से पृथ्वीराज चौहान। अनंगपाल जिनके चहेते थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और दिल्ली का साम्राज्य उन्हें दिया गया। यहीं से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों के बीच में ब्रह्मनश्य का आरंभ होता है। ये थे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की वो कथा कि इनका क्या मतलब पारिवारिक इनकी पृष्ठभूमि रही थी। आगे हम देखते हैं किस तरह से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में शत्रुता या फिर द्वेष का भाव पैदा हुआ। हुआ कुछ यूं कि जयचंद ने रासु यज्ञ करवाया, जिसमें आमंत्रित किया गया सभी शासकों को। पृथ्वीराज चौहान के सामंतों के अनुसार हमें उस रासु यज्ञ में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप, क्योंकि जयचंद चाहता था कि उसका वैभव पृथ्वीराज चौहान भी देखे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस आमंत्रण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, तब द्वारपाल के रूप में एक मूर्ति स्थापित करके और पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने का पूरी तरह से उसने एक योजना बनाई। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता लगा और साथ में यह भी पता लगा, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन चाहती थी, और उसने उसी मूर्ति पर, क्योंकि साथ में उसका स्वयंवर भी था उसी राजसु यज्ञ के साथ, तो उस मूर्ति को जो पृथ्वीराज चौहान की बनी हुई थी, आदमकद इस मूर्ति को माला पहना करके उसने ये घोषणा कर दी कि वह विवाह करेगी तो पृथ्वीराज चौहान को। आइए इसका दूसरा एक इसी अंतर कथा को हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखी, उसमें ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि कुल 17 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, माफ कीजिएगा मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और 17वीं बार उनकी पराजय हुई। जब हमने अभी ये कथा देखी थी किस तरह से संयोगिता माला पहना करके ये घोषणा कर देती है कि वह विवाह करेगी तो पृथ्वीराज चौहान से,
इस तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान एक बार शिकार खेलने गए थे, पीछे से उनका जो सामंत था कैमास, वो कैमास कर्नाटी जो दासी थी उसके कक्ष में जब घुस जाता है और इस तरह पृथ्वीराज चौहान को जब पता लगता है, पृथ्वीराज चौहान वापस आते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या उन्होंने जो सुना वो सही था। जब उन्होंने दूर खड़े अंधेरे में देखा तो कैमास कर्नाटी दासी के कक्ष में घुस रहा था। उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया और कैमास का वही वध कर दिया, कैमास को वही ढेर कर दिया। आइए देखते हैं किस तरह से चंद्रवरदाई कन्नौज पहुंचते हैं। घटना कुछ इस प्रकार है, जब चंद को उन्होंने कहा, अर्थात चंद्रवरदाई को जब कहा, चंद्रवरदाई ने तांबुल पत्र वाहक के रूप में उनका वेश बना करके जो पान बेड़ा आदि पकड़ाते हैं और राजकाज में रहते हैं, तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से तांबुल पत्र वाहक के रूप में वो वहां कन्नौज पहुंचते हैं थवाइत नाम से। कन्नौज पहुंचने पर वहां चंद्रवरदाई से जब जयचंद ने पूछा कि तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान उसके क्या हाल है, वो किस तरह से आजकल दिखने लग गया, उसका व्यक्तित्व कैसा है, चंद्रवरदाई ने हूबहू जिस तरह का व्यक्तित्व था पृथ्वीराज चौहान की विशेषताओं के बारे में जब जयचंद को बताया, वहां जयचंद को शक हुआ कि जो तांबुल पत्र वाहक है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का जिस तरह का वर्णन कर रहा है ये तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तब चंद्रवरदाई के सामने ये जयचंद ने जब शंका प्रकट की तो चंद्रवरदाई ने कहा कि ये भी बहुत हष्ट पुष्ट है दिखने में, लेकिन ये और पृथ्वीराज चौहान प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ समय बाद में एक दासी जो थी वो तांबुल पत्र वाहक अर्थात पृथ्वीराज चौहान को देख करके घूंघट निकालती है, जो कभी किसी समय पृथ्वीराज चौहान की सेवा में रह चुकी थी। जयचंद को फिर शंका हुई। अंततः जब डेरे पर चंद्रवरदाई के डेरे पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को एक साथ जयचंद देखता है और पाता है कि जो सबसे बड़ा सिंहासन वहां पर जो था, सबसे बड़ी जो कुर्सी थी उस पर पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं जबकि जयचंद बाई तरफ खड़े हैं, तब जयचंद को जो भी शंका थी वो पूरे विश्वास में बदल गई कि यही पृथ्वीराज चौहान है। लेकिन किस तरह से पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उसके 100 राजपूत सरदार थे जो उसकी सुरक्षा में सदैव आसपास तैनात रहते थे, जयचंद को इस बात की भी भनक लग गई थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अंततः संयोगिता को जो पता लगा उसने एक दासी के साथ अपना प्रणय निवेदन पृथ्वीराज चौहान के साथ भेजा। पृथ्वीराज चौहान वहीं एक नदी के किनारे पर संयोगिता के साथ विवाह करता है और वहां से संयोगिता का हरण करके घोड़े पर बिठा करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। जयचंद को जब इस बात का पता लगता है दोनों में भयंकर युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना भी दिल्ली से संदेश पाते ही आ गई। जयचंद को पुनः कन्नौज लौटना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुंचने में सफल रहा। दिल्ली पहुंच करके विलासिता में, भोग विलास में पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से डूब गया। हमारे प्रिय श्रोताओं को हम बता दें कि संयोगिता के साथ ये विलास की जो क्रीड़ा है वो दिल्ली के उस समय जनता में भारी असंतोष व्याप्त कर देती है। राजगुरु और चंद्रवरदाई एक संदेश पत्रिका जो किसी दासी के साथ भेजते हैं, जिसमें चंद्रवरदाई ये लिखते हैं कि हे चौहान, तू रत गोरी धरा, तू गोरी अनुरत्त, तुम तुम्हारी गोरी के अनुरत्त हो, अनुरक्त हो, लेकिन गोरी जो है मोहम्मद गोरी वो तुम्हारी धरा में अनुरक्त है, उसकी जो मनसा है वो तुम्हारी इस भूमि पर है। पृथ्वीराज चौहान ये संदेश पढ़ करके और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। परिणामतः पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17वां युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया। ध्यान रखें, उल्लेखनीय ध्यातव्य है कि जब ये 17वां युद्ध था पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंद्रवरदाई तुरंत वहां से गजनी की ओर प्रस्थान करते हैं कि मेरे सखा, मेरे मित्र और मेरे राजा के साथ किस तरह का बर्ताव होगा। वो वहां से चलते हैं
और ऐसा लिखते हैं अपनी उस रचना में, पुस्तक जल्लण हत दे चले गज्जन रिपकाज। अर्थात अपने पुत्र जल्लण को सौंप करके, क्योंकि ऐतिहासिकता ये कहती है कि पृथ्वीराज राष्ट्र में कुल 69 समय अर्थात 69 समय, जिसमें से 61 समय सर्ग कांड अध्याय जिसको भी हम कहते हैं, हालांकि पृथ्वीराज राष्ट्र में उसे समय नाम दिया गया है, उनमें से 61 पृथ्वीराज राष्ट्र के जो समय या सर्ग जो हैं वो चंद्रवरदाय के द्वारा लिखे हैं, शेष 8 उनके पुत्र जल्लण के द्वारा लिखे गए माने जाते हैं। जिस तरह से जो कादंबरी रचना है बाण भट्ट की, वो भी अधूरी थी और उनके पुत्र ने उसे पूरा किया, ठीक उसी प्रकार से आइए हम आगे की कथा जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिसकी आंखें निकाल ली गई मोहम्मद गोरी के द्वारा, वहां पीछे जब चंद्रवरदाय जाते हैं और मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि वो बद्रिकाश्रम जा रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो उसका मित्र है वो उसका शब्द वेदी बाण की कला को अंतिम बार देखकर जाना चाहता है। मोहम्मद गोरी ने जिज्ञासा प्रकट की ये किस तरह की शब्द वेदी बाण की जो कला है, तब पूरा आयोजन करवाता है इस शब्द वेदी बाण के इस हुनर को देखने के लिए। तब चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान को संकेत करते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज 8 अंगुल इतना ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा है। मोहम्मद गोरी जो अपने पास में 7 घड़ियाल रखवाता है और एक आवाज लगाता है, क्योंकि ऐसा उसे करने के लिए पहले चंद्रवरदाई कहता है कि इस तरह की आवाज लगाने पर वो शब्द वेदी बाण चलाएगा, और पृथ्वीराज चौहान अपने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी का वही खात्मा कर देता है। आंखें न होने के बावजूद इस शासक की किस तरह की वीरता और किस तरह से उसका साहस देखते ही बन पड़ता है, और ऐसा कहा जाता है कि एक बाण लेकर के, क्योंकि वो उन गजनी के जो सैनिक थे उनके हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए वो एक बाण से अपनी गर्दन और दूसरे हाथ से अपनी काख में दबा करके और चंद्रप्रदाय को भी मार डालता है, ऐसा इसमें हम सुनते हैं। आगे की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार भी है। कथा यहां समाप्त होती है, परंतु पृथ्वीराज चौहान, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो अस्थियां हैं उनको गजनी से लाने का काम किया था। 1976 में जन्मे जो राणा जो उत्तराखंड के हैं, जिनको फूलन देवी की हत्या के एक जुर्म में भी उन्हें पुलिस के द्वारा हवालात में डाल दिया गया और अभी वो जेल में है, उनकी अस्थियों को, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लाने का श्रेय उनको है। धन्यवाद। परंतु हम साथ में ये कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों से, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको प्रेषित करें। अगले हम इस पार्ट में ये जानेंगे कि पृथ्वीराज राष्ट्र से जुड़े हुए वो तथ्य जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, और यदि इसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चंद्रवरदाय के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या कहा है, ये रचना कितनी प्रामाणिक है, कौन अप्रमाणिक मानते हैं और कौन इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। इंतजार करिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप किस तरह के वीडियोस हमारे इस चैनल पर चाहते हैं। पुनः धन्यवाद।